परसेंट सुन दोनों को सांसर 51 सब्सक्राइबर आपके 51,000 मिलियन आपके मैम क्या कहना चाहेंगे बस खुश है इट्स वंडरफुल और इसी चीज़ की सेलिब्रेशन है जो हम ये गाना मिलकर कर रहे हैं कि रितु के पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं रितु को मैं एक बार शुरुआत से फॉलो करता आ रहा हूँ और इट्स बीन अबाउट 4 इयर्स नाउ जब रितु वॉइस के शो में आई थी एज अ परफॉर्मर मैं उनका कोच रहा सो फॉर मी इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि रितु इज़ डूइंग सो वेरी वेल ऑन हर यूट्यूब चैनल और मैं चाह रहा था कि ये रितु कुछ ओरिजिनल गाना आप करें और साथ साथ ऑफकोर्स जो रितु जो कवर्स करती हैं उसमें मैं भी रितु के साथ जुड़ जाऊं एंड तो बस बातों बातों में ये प्रोजेक्ट बन गया और द रेस्ट ऐसे से इज हिस्ट्री अधूरे के बारे में जानना चाहूँगा ये सॉन्ग का आइडिया कहाँ से आया आप लोग दोनों के पास क्योंकि दोनों ने किया है नहीं जब ये बात बनी कि रितु के साथ एक गाना करना है तो मैंने रितु को पूछा कि किस तरह का गाना आप प्रेफर करती है और उसके बाद तो क्योंकि मुझमें अभी कंपोजिंग की एक नई शौक जागी है और पिछले 1-2 साल में काफ़ी सारे गाने मैंने कंपोज किए हैं चाहे कॉर्पोरेट सॉन्ग्स हो चाहे सोशल सॉन्ग्स हो या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स हो मेरे चैनल पर आए हैं फिल्मों के काफ़ी सारे गाने बनाए हैं तो बट रितु लकली फॉर मी शी चोज द माई फेवरेट जॉनर तो रितु ने कहा कि शी वुड लाइक अ नाइस सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग एक गाने का रेफरेंस भी उन्होंने दिया सो उससे बस वहीं से थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गई एंड और फिर कुंवर जुनेजा जी जो बहुत अच्छा लिखते हैं वंडरफुल लिरिसिस्ट तो एक सिंपल से ट्यून में उन्होंने बहुत खूबसूरत शब्द पिरो दिए और मेलोडी तब बन जाता है जब अच्छे शब्द उसके साथ जुड़ जाते हैं एंड आई थिंक इस गाने की पॉपुलैरिटी इस गाने की श्रेय काफ़ी ज़्यादा कुंवर जुनेजा जी को जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि अधूरे थे अधूरे हैं अधूरे हम न रह जाए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा खास तरह भी तो आपका आप भी देखा जाए तो क्योंकि आप कंटेस्टेंट रह चुकी हैं इनकी कोच थे और अब क्या कहना चाहेंगे आई थिंक ये एक बहुत यू नो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी बिकॉज जब आप एक कंटेस्टेंट के तौर पर जाते हैं सो आप यू आर इन द ऑ ऑफ व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग अराउंड यू सो आई थिंक वो बहुत एक अच्छा मोमेंट था कि मैं अपने 4 फेवरेट सिंगर्स को एज अ कोच देख रही हूँ एंड टुडे आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड यू नो फीचरिंग इन हिज ओरिजिनल सॉन्ग सो इससे बड़ी बात आई एम फीचरिंग इन योर चैनल सी दिस थिंग दिस मोमेंट इज वेरी यू नो वेरी स्पेशल साल में कुछ चेंजेस आए हैं अभी सर और हैंडसम हो गए मसल वसल हो गए बट ऑब्वियसली इन नेचर देयर इज नो चेंज ही वाज वेरी काइंड एंड जेन्युइन राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड ही स्टिल द सेम रितु भी वैसी है 4 साल से देख रहा हूँ मुझे लग रहा है 2-3 ग्राम कमी हुआ होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अब इंडिया में है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में इट्स अ यंग प्लेटफॉर्म इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स और अगर आपको यंगस्टर्स के साथ रेलिवेंट रहना है तो वो क्या पसंद करते हैं वो क्या चाहते हैं ऑफकोर्स अपनी जो गरिमा है अपनी जो एक सेल्फ डिग्निटी है उसे मतलब एक मीम बन के उनको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन उनकी मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं टाइपकास्ट भी कर दिया गया है कि उनको बस ऐसे ही गाने पसंद है यही चीज़ें वो पसंद करते हैं जो कि जब आप सोशल मीडिया में देखते हैं ना तो वो अलग है जो बॉलीवुड यंगस्टर्स को जिस तरह से डिपिक्ट करके रखे हैं ना कि बॉलीवुड के गाने जिस तरह से बनाते हैं यंगस्टर्स को यार ये यूथफुल गाना है तो वही कुड़ी पार्टी विस्की दारू वो सारी चीज़ें हो रही है आई डोंट थिंक दैट इज़ द टिपिकल यंगस्टर टुडे रितु इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल वो ना कोई मतलब यू नो सिंपली एक गाने को यू नो गाती हैं परफॉर्म करती हैं लेकिन दिल से करती है और लोग पसंद करते हैं सो यू नो टू विन द यंगस्टर्स यू डोंट हैव टू रिजॉर्ट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स और तो विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ये जो यंगस्टर्स को अच्छे संगीत से जुड़ना है अच्छी चीज़ों से जुड़ना है उनके साथ जुड़ूँ तो अच्छा लगता है एंड आवर कंट्री हमारा देश जो है इट्स अ यंग कंट्री यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 24 इज़ आर एवरेज एज तो बहुत ज़रूरी है हर एक को जब तक हम या तो फिर चले जाओ पहाड़ों में लेकिन जब तक हम काम कर रहे हैं वी हैव टू थिंक यंग एंड वी हैव टू केटर टू द यूथ आई थिंक अब इस डिजिटल वर्ल्ड में यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन समबडी एल्स सो आई थिंक जैसे यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल कि मैं एक कंटेस्टेंट थी नाउ आई एम विद माई मेंटर दैट्स बिकॉज ऑफ वॉट यूट्यूब हैड मेड मी So I think if you have the vision
and you want to do your stuff. So YouTube is the biggest platform to do that. And I think सिर्फ अपना काम करो persistently, patiently, and things will turn out good. सर सर आप काफी लोगों के रोल मॉडल रह चुके हैं और हैं, लेकिन आपके रोल मॉडल कौन थे? नहीं बिल्कुल, जैसे अगर ऋतु के साथ मैं जुड़ा और बात को आगे ले गया, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्रोत्साहन दी, चाहे अनुमलुक जी हो, चाहे हिमेश ऑफ कोर्स यू नो मेरे हम उम्र हैं, लेकिन मुझे बहुत उन्होंने गाने गवाए एंड मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला उनके साथ काम करते हुए. आदेश श्रीवास्तव जी जो मेरे बड़े भाई की तरह थे, मुझे बहुत उन्होंने ना सिर्फ म्यूज़िक में बट ऑल्सो रियल लाइफ में जाती ज़िंदगी में हमेशा सलाह मशवरा उनके साथ मैं करता रहा. ऐसे बहुत सारे मेरे यू नो सीनियर्स हैं, बपीदा के साथ, रमद जैन जी के साथ मैंने बहुत अच्छे अच्छे वक्त बिताए हैं. मेरे गुरुजी हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उनसे अभी भी मैं सीखता हूँ. तो मेरे ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं, मेरे बहुत सारे गुरुज हैं और जो कुछ भी हो उनके बदौलत हूँ. और आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी ज़िंदगी में कहीं जाता है तो किसी ना किसी का हाथ ज़रूर हो तो ही जाकर वो बात बनती है. लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि यू हैव टू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और वो आपकी अपनी मेहनत से आती है. तो गुरु उतना ही बड़ा गुरु है जितना उसके जो शिष्य है उन्हें उतना मानते हैं. तो उनकी बात मैं तो ऋतु से कहते रहता हूँ, लेकिन ऋतु के साथ साथ बहुत सारे हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ऐसे करो यार, ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे ज़िंदगी में करो, लेकिन अब उन पर है वो माने ना माने. एंड आई एम सो हैप्पी दैट गुरु से बेटर शिष्य है जो उसकी सारी बातों को सीरियसली मानती हैं और आगे बढ़ रही हैं. आई एम वेरी प्राउड. ऐसे बहुत सारे हैं. आई मीन फॉर मी द बिगेस्ट इज रहमान सर. सो आई एम होपिंग कि मुझे जल्दी उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिले. एंड ऑफ कोर्स जितनी भी बड़ी चीज़ें मैं कर पाऊँ अपनी लाइफ में, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग. से शुरू होता है.